अनुभव केशवदेव मौर्य इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। केशवदेव मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नतीजे सामने आने के बाद आपकी नाराजगी हमने देखी गठबंधन से, और संकेत भी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया और चुनाव भी उन्होंने हरवा दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि अहमियत नहीं मिलती तो विकल्प मैं ढूंढूंगा। मैं चाहूंगी कि बताइए दर्शकों को, क्या वो विकल्प है, क्या आपका इशारा है? नहीं, ऐसा ना तो मैं गठबंधन से नाराज हूँ जी, और ना मैं कोई विकल्प ढूंढ रहा हूँ। दुखी जरूर हूँ कि हम लोग चुनाव जीत सकते थे, चुनाव हमारे पक्ष में था, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता थी जी, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस हो के चुनाव हार गए। हमें हमारे पास वोट की कमी नहीं थी, लेकिन हम वोट ले नहीं पाए। उस वोट को न लेने की दुख है मुझे, नाराजगी किसी बात की नहीं है। और ये सच है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह चुनाव हार गए। योगी जी की कोई योग्यता की वजह से हम चुनाव हारे होते, या भारतीय जनता पार्टी किसी योग्यता की वजह से हम चुनाव हारे होते, तो हमें तकलीफ ना होती जी। हम केवल अपनी कमियों को जब चुनाव हार गए, ओवर कॉन्फिडेंस थे, हम वोट जोड़ नहीं पाए। ठीक है केशवदेव मौर्य जी, आप ये एक्सेप्ट करें कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा क्लियर कीजिएगा, बहुत साफ कीजिएगा, क्योंकि आपको एबीपी गंगा के दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। किस मुद्दे पर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या वजह आपको समझ आती है हार की? मैं हम ये कह रहा चाह रहे हैं कि हमारे समाजवादी गठबंधन के सभी प्रत्याशी जी ओवर कॉन्फिडेंट इस बात पे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे इर्द गिर्द कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहीं असर नहीं रहेगा, उसकी तो जमानत जब्त होगी। जबकि ये बात बिल्कुल, कई बार मैंने सबको कहा, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को कमजोर आंकना हमारी गलती होगी, हमारे नुकसान हो सकता है जी। और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट थे कि चूंकि किसान साढ़ की वजह से नाराज थे, कोरोना काल में जिस तरह से जागृति हुई थी, जिस तरह से लाशें बही थी गंगा में, लोग उससे नाराज थे, बिजनेस व्यापार चौपट हुआ था, और ब्राह्मण समाज में भी नाराजगी थी। और ये चुनाव के शुरुआती दौर में, चुनाव जब नहीं शुरू हुआ था, ये सभी समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से उनके प्रत्याशी बहुत ज्यादा चुनाव में मेहनत नहीं कर पाए, और दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो जमीनी मेहनत करते रहे जी। और चुनाव आयोग की भी सख्ती हम लोगों के साथ थी, हम जा रहे थे, अगर ज्यादा लोग हो जा रहे थे तो मुकदमे दर्ज कर रहा था चुनाव आयोग या प्रशासन, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जैसे घूमे उनके ऊपर मुकदमे नहीं। और एक और सबसे बड़ी कमी हम लोगों ने की जी, कि हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वोट कटवाया गया, वोट कटा, कहीं 2000 कहीं 5000, हर बूथ पे 1000 1500 500 700 वोट काटा गया, वो रणनीति के तहत। और जब वोट नहीं था तो हम वोट दे नहीं पाए, इसलिए हमारा वोट घटता चला गया और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता चला गया। और नीचे स्तर पर देखिए केशवदेव मौर्य जी, ये बातें तो पहले से कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये गठबंधन चलेगा नहीं, लेकिन अब देखिए जैसे आप कह रहे कि आप दुखी हैं, शिवपाल यादव भी बयान दे रहे हैं कि वो भी दुखी हैं, उन्होंने भी बयान दिया, तो अब तो ये दिखाई दे रहा है कि गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।